और गाइस फाइनली आई एम बैक। मैं ससुराल वापस आ चुकी हूँ, चीजें लगा दी और अभी भी कुछ चीजें रह गई। इधर इधर पूरी साफ सफाई मैंने कर दी। हाय गाइज अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज आज का दिन कुछ ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं सुहाना का वोटर आईडी कार्ड बनवाने, क्योंकि सुहाना के पास था नहीं, मेरा तो बना हुआ है। इलेक्शन का टाइम चल रहा है और यहाँ पे 20 मई को इलेक्शन होना है, तो उससे पहले हो रहा है कि हम लोग बनवा लें वरना फिर लेट हो जाएगा। तो बस उसी के लिए निकल रहे हैं हम लोग, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइज जो हम लोग जाने वाले थे वोटर आईडी बनवाने सुहाना की, वो नहीं गए, गए थे पता किए, वहाँ पे वो लोग आए ही नहीं थे जो कैंप लगाने वाले थे। फिर मेरी बात हुई यहाँ पे जी से, तो उन्होंने बोला वो लोग आए थे पर उनकी आईडी ही नहीं ओपन हुई, वहाँ पे सर्वर डाउन था, तो वो लोग फिर चले गए। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे गए नहीं और वीडियो बना नहीं पाए और वापस हम लोग चले आए घर पे। तो गाइज अनाया यहाँ पे पढ़ाई कर रही है, इसकी नई बुक आई है, कल से अनाया स्कूल जाएगी। ABCD से शुरू करो बेटा, चलो वीडियो बन रही है जल्दी। आराम भाई यहाँ से पढ़ता है, देखो भैया यहाँ से। ए आराम भाई, चलो अब जल्दी जल्दी बताना, नानी सुन रही है ठीक है। हाँ जल्दी जल्दी, नानी देखिए कैसे बताएगी ठीक है। A for apple, B for ball, C for ball, C for now, D for bubble, D for hati, F for fish, fish, G for cup, H for cook, cook, I for क्या ये? माऊ क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? बिल्ली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग, आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो गाइस हम लोग आए हैं माऊ से मिलने, माऊ खिलाने आए हैं, हम लोग माऊ खिलाने आए हैं। मिट्टी लेके नहीं जाती है इसलिए हम लोग यहाँ चले आए माऊ खिलाने के लिए, है ना। अनाया का बहुत मन था, अनाया का बहुत मन था, और हमें लग रहा है कि इसके मन की वजह से हमारे पास भी माऊ इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। चाबी दे दो ना, यू कौन लिया है, क्या बना रही हो? कुछ नहीं, यहाँ पे आए थे तो मिंटी को शरबत इतना अच्छा लगा था कि वो भी रमजान में बनाई थी, तो हमसे कह रही कि अब अब आई हो तो बनाओ, सब लोग वही पियेंगे। हमने कहा चलो ठीक है भाई बना देते हैं। इतनी मोहब्बत है आज़म में, पीला बन नहीं है, कैसा मिट्टी कलर दिख रहा है, और डाले नहीं नहीं ठीक है, पानी भरा है, चलता है पानी भरा ना, थोड़ा सा चेयर शूट चला दीजिए। बिल्ली नहीं है, बिल्ली है, हां जाली वाला क्यूट मामा है, देखो पर्दा, ये पर्दा बड़े चढ़ गया, बहुत क्यूट होते हैं, हम पाल लेंगे अगले हैं। हां यू इधर देखो मेरे हाथ में क्या है, क्या है मेरे हाथ में, माऊ को पकड़ो जल्दी, है ना यू माऊ को पकड़ो, तो गाइस शरबते जमजम आजम मोहब्बत मोहब्बत शरबते, हम लोग इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, रमजान हो गया लेकिन मम्मी को ये 3 साल से मैं पी रहा था। कहाँ पे? मेरे वहाँ बनाए थे ना पहली बार, मैं घर पे बनाया था दुबई जाने से पहले, आप ही तो पी थी जब हम लोग जो है इफ्तार में आई थी, इफ्तार में जो है तुम भी आई थी दावत में। हाँ ये आई थी, बस इनको हर जगह ये चाहिए ये चाहिए, प्याज में चाहिए, मिल गया आपके मन का, हो गया आपका पेट खराब था ना, पेट ही तो सही करना है, ये पेट इससे पेट सही होगा, पहचान डॉक्टर होता है, पी लो ठीक है, ठीक है बताइएगा जिससे पेट सही होता है क्या, फैजान डॉक्टर, अल्लाह डॉक्टर फैजान अंकल को भी आप मत छोड़िए,
अनाया और मुअज्जक बहुत खेल रहे हैं। The next day. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to the new vlog. कैसे हैं आप लोग? I hope सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। और guys, finally I am back. मैं ससुराल वापस आ चुकी हूँ, आधे से भी और मैं अभी आगे किचन का सारा काम निपटा रही हूँ फटाफट। सारी जितनी चीजें ली थी वो अपनी अपनी जगह सेट कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, सारी चीजें साफ कर रही हूँ। अभी तो इतना एरिया मैंने साफ कर दिया, ये दिखाती हूँ आपको, इतना एरिया साफ करके मैंने लगा दिया यहाँ सारी चीजें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। बाकी चीजें लगा दी और अभी भी कुछ चीजें रह गई हैं, अभी वो भी साफ सफाई कर रही हूँ और सारी चीजें लगा रही हूँ अपनी अपनी जगह पे। और थोड़ा सा बिजी हूँ गाइस, थोड़ा सा नहीं बहुत बिजी हूँ। उसके बाद फिर हम लोग, ये देखिए मैंने ये भी धो डाला और इसको मैं यहाँ रख दे रही हूँ तब तक। इधर सफाई कर दी? हाँ, इधर इधर पूरी साफ सफाई मैंने कर दी है। और अभी मुझे कुछ चीज़ें निकालनी है और जो कि हम रख दिए थे, वो सारी चीज़ें डब्बे से वापस निकालूंगी, उनको भी अपनी अपनी जगह सेट करूंगी। बर्तन सारे अभी वॉश करने हैं क्योंकि बहुत दिन से बर्तन वॉश नहीं थे, तो उसमें तो बन नहीं सकता खाना, वरना कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सारी चीज़ें करूंगी और अभी मैं थोड़ी सी वो दिख रही हूँ, सादी सी, क्योंकि अभी काम कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा वो हूँ। गाइज अभी ये सारी चीज़ें सेटअप कर रही हूँ, सारी सेटअप वेटअप करके फिर वापस से जाऊँगी मम्मी के यहाँ। मम्मी के यहाँ जाके अभी कपड़े भी लाने हैं, अभी अनाया का भी सारा सामान वहीं है। अभी पूरी तरीके आज किचन सेट करने आई थी, किचन सेट कर लूँगी सारा, उसके बाद से इंशाल्लाह कल मैं पूरी तरीके से यहाँ शिफ्ट कर जाऊँगी। तो आपको अब कल या परसों से वीडियो यहीं की दिखेगी और यहाँ बनाएंगे और मम्मी के यहाँ भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि मम्मी को छोड़ देंगे, मम्मी के पास भी जाते रहेंगे शाम वाम पे लेके, अनाया को, बच्चों को लेके यहाँ पे जाते रहेंगे वहाँ। जितने भी मेरी व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि कितना काम बढ़ जाता है जब आप ससुराल से मायके जाते हैं, मायके से ससुराल आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल इतना नज़दीक है कि मैं ससुराल से मायके से ससुराल आती जाती रहती हूँ और इतना अच्छा है। देखिए अभी मैं यहाँ पे आके सेटिंग कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं ससुराल में आई हूँ, सारी सेटिंग करके उसके बाद फिर मायके चली जाऊँगी, फिर वहाँ से फिर एक एक दिन करके। देखिए मैं बहुत आराम से कर लेती हूँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा नज़दीक ससुराल है। और बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनका ससुराल और मायका नज़दीक होता है। और गाइस किनका किनका है ससुराल मायका नज़दीक में प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइए हमें कि नज़दीक में कौन कौन रहता है, आमने सामने किसका घर है और किसका दूरी पे है। जिनका आमने सामने वो लोग समझ गए होंगे मैं किनके बारे में कह रही हूँ और दूरी पे किसका है, तो कमेंट करके बताइएगा। कपड़े वॉश हो रहे हैं गाइस, मैंने यहाँ पे कपड़े लगा दी, कुछ टॉल वगैरह थी और दीवान की चादरें थी वो लगा रहा हूँ। इधर सोफे का कवर वगैरह हमने धुल लिया और यहाँ का मौसम देखिए गाइस, हरियाली देखिए घर पे मैं, ये देखिए माशाल्लाह, ये सब मेरी मम्मी लगा के गई थी ना। यू नानू क्या चलोगे, ये सेट करना पड़ता है क्या? जितना यूनिट लेवे के हो ओके, से कर दे ले। 35 ले रहा है 40 ले रहा है? अरे 40-42 ये कर दिया। देखो दादा कैसे लगा रहे हैं। आओ देखो ये इंजेक्शन है, देखो यहाँ पे लगाया, पेट में लगेगा, लेट जाओ पेट में जल्दी। तो गाइस काम खत्म ही नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है और अब मैं थक चुकी हूँ। मम्मी की 2 बार फोन आ चुकी है, 2 बार कॉल करके कह रही मैंने पकौड़ी बनाया, मैंने सिवई बनाया, जल्दी आओ तुम लोग खाना, पकौड़ी बनाई और सिवई लगातार बुला रही है कि आओ बना लिए, जल्दी खा लो। हमने कहा चलो ठीक है काम समेट लेते हैं और जो बाकी का रूम का काम है अब वो कल करेंगे और कल आके काम करके और तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, कि वो तो रह के हो भी जाता है लेकिन यहाँ का थोड़ा सा जो काम है वो करने के बाद शिफ्ट होना ज्यादा सही होता है। प्यार दीजिए हमें, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप न्यू हैं तो। बाय, टेक केयर।